गाइस, जिसके पास पैसा ना हो उसको भिखारी बोलते हैं, जिसके पास पैसा हो उसको आतिफ का सब्सक्राइबर बोलते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जहाँ पर आपको रेफर अर्न करके एक अच्छी खासी इनकम हो सकती है, जहाँ पर आपको पर रेफर पे 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 रुपये मिलेंगे। और ये गाइज अप टू नहीं है, फ्लैट 100 रुपये आपको पर रेफर पे मिलने वाले हैं। अब गाइज, वो कौन सी ऐप है, क्या करना पड़ेगा, कितनी लंबी प्रोसेस है, कितनी छोटी प्रोसेस है, मैं किस तरह से 100 रुपये से 10,000 कमा सकता हूँ, 5,000 कमा सकता हूँ, 6,000 कमा सकता हूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूं। एंड लास्ट में कुछ जरूरी बातें भी हैं, तो उसे जरूर सुनकर जाना। तो गाइस, जिस ऐप की मैं बात करने वाला हूं आपसे, उस ऐप का नाम है ग्रो ऐप। एंड मुझे पता है गाइस, ये पुरानी ऐप है एंड बहुत सारे लोग हो सकता है इसका फायदा उठा भी चुके होंगे, लेकिन गाइस आप ऑलरेडी अगर यूज कर रहे हैं ग्रो ऐप या ग्रो ऐप के बारे में जानते हैं, तो भी आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार बात छुपी है जिसको आप यूज करके आराम से 10,000 रुपए मंथली कमा सकते हो। एंड गाइज, वो बात आप जरूर सुनकर जाना। एंड गाइज, अगर आपने इस ऐप का नाम पहली बार सुना है तो चलो फटाफट से जान लेते हैं इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हम चलते हैं फटाफट अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर ताकि मैं आपको सारी चीजें इजी और आसान तरीके से समझा पाऊं। इसके लिए गाइज, मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा देता हूं ताकि आपको मैं एग्जैक्ट समझा पाऊं कि करना क्या है। तो गाइस, सबसे पहले जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद यहां पर आपको सिंपली कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो भी ईमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होगी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होगी उसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर सिंपली डाल के आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी से वेरीफाई होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज, आपको वेरीफाई पैन नंबर, यानी कि यहां पर आपको पैन कार्ड अपना वेरीफाई करना है, तो आपको पैन नंबर जरूर डालना पड़ेगा। एंड गाइज, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने पेरेंट्स के या ब्रदर वगैरह के नाम से बना सकते हैं, अगर उनका सारी चीज़ें कंप्लीट होगी तब। तो गाइज, यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद आपको जब आप पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे तो आपको आपका नाम वगैरह शो होने लगेगा। आपको सिंपली कंटिन्यू या कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिस भी दिन आप पैदा हुए थे, इतना तो पता ही होगा ना किस दिन पैदा हुए थे, नहीं पता है तो आधार कार्ड देख लेना, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। सिलेक्ट कर लेना है कि आप महिला है, पुरुष है या फिर उस कैटेगरी के आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप डालकर आप अपना मैरिटल स्टेटस बता सकते हैं, जैसा कि आप फेसबुक पर डाल के रखते हैं ना, सिंगल रिलेशनशिप, वही सब डालना है यहाँ पे, सिंगल है या मैरिड है आप। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन डालना है कि आप करते क्या है, लाइक आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउस वाइफ हैं, क्या है वो सभी कुछ आपको अपना यहाँ पे प्रोफेशन चूज करना, ऑक्यूपेशन बताना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको अपनी इनकम बतानी है कि मैं कितना इनकम करता हूं। एंड मुझे पता है कि आप लोगों की इनकम 1,00,000 से नीचे ही होगी, तो आप यहां पर डाल सकते हो, या फिर अप टू 1,00,000 है, 1,00,000 से नीचे तो यहां पर नहीं है, अप टू 1,00,000 आप डाल सकते हो। तो इसको आप डालकर कंटिन्यू करना। यहां पे गाइस आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछेगा, तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपको आपने कभी ट्रेड वगैरह किया है तो उसी हिसाब से डाल देना, अदरवाइज़ अगर आप नौ सीखे हो तो नो एक्सपीरियंस डाल देना, जो जैसे कि मैं नौ सीखिया हूँ, चल झूठा, उसी तरह से आप नो एक्सपीरियंस डाल सकते हो। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको KYC फिनिश करने के लिए अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनका नाम वगैरह आपको फिल कर देना, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको कुछ बैंक वगैरह की इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, यहाँ पर आपको बैंक की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। और बैंक की इन्फॉर्मेशन गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर अपना बैंक नेम सर्च करोगे, उसके बाद में आपका जो भी बैंक होगा उसको डालकर ब्रांच सेलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद में आपको अपना बैंक का जो नंबर है वो डाल देना, अकाउंट नंबर, एंड उसके बाद आपका बैंक भी वेरीफाई हो जाएगा। एंड गाइस, उसके बाद आपको अपना डिजी लॉकर यहां पर लिंक करना है, डिजी लॉकर लॉगिन करना है ताकि आपका KYC हो सके। इसके लिए आपका जो आधार नंबर है, वो आधार नंबर यानी कि आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। इसके बाद गाइस, आपको ऑथेंटिकेट आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आधार कार्ड जिस नंबर पे रजिस्टर्ड है वहां पे OTP जाएगा, तो वहां पर आपको डाल देना है। एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये कुछ अलाउ वगैरह पूछेगा, इसको अलाउ कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आपको कोई फॉर्म खुलेगा, फॉर्म आपको सबमिट जैसे ही आप कर दोगे तो आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। बाय चांस अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। सो गाइस, अब KYC कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद गाइज आपसे एक सेल्फी मांगेगा, आपको सीधा सीधा अपनी फोटो कैमरा को ओपन करके एक फोटो खींच लेनी है। उसके बाद गाइज आपसे एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे उंगलियों से अपना सिग्नेचर कर देना है, जो भी आप सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर करने के बाद सबमिट कर देना है। एंड उसके बाद यस प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे नॉमिनी वगैरह ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो अगर आप इसको यस करना चाहो तुरंत ऐड हो जाएगा, और अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी हो जाएगा। एंड गाइज उसके बाद में अगर आप आगे चलोगे तो यहाँ पे आधार ई साइन का ऑप्शन आएगा, यानी कि आधार से आपका साइन डेडिकेटेड किया जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद गाइज आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगी, अलो कर देना ई साइन करने के लिए। उसके बाद गाइज आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद सारी चीज होने के बाद आपको कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। एंड गाइज इतना करना है और बस काम खत्म, यानी कि गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है यहाँ पर और अब आप यहाँ पर अर्निंग करने के लिए तैयार हो। तो गाइज समझ लिया आपने कि ग्रो ऐप पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वेल क्या आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आए थे? नहीं आप तो यहाँ पर आए थे रेफर एंड अर्न करके इनकम करने के लिए, तो चलो वो भी समझ लेते हैं। गाइस केवाईसी वाली प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला है, और इसके बाद आपको सीधा सीधा आपको ऊपर मेन्यू पे क्लिक करना है, अपनी फोटो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपका नाम वगैरह शो हो जाएगा। एंड उसी के पास आप देख सकते हो रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर गाइज आपका रेफरल लिंक मिलेगा, इस लिंक को आपको शेयर कर देना है इन्वाइट वाया व्हाट्सअप के थ्रू, आप अलग अलग सोशल मीडिया पे या जो भी आपके अंदर में ऐप होगी फ़ोन के अंदर, वहाँ का लिंक यहाँ पर भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने चाचा मामा मामी किसी को भी आप भेज सकते हो, किसी को भी आप भेजकर वो बंदा जैसे ही इंस्टॉल करता है तो उसको भी 100 रुपए मिलेंगे और आपको भी 100 रुपए मिलेंगे। सो गाइज देख लिया आपने किस तरह से ग्रो ऐप को यूज करके आप पर रेफर का 100 रुपए इजिली कमा सकते हो, 100 रुपए आपको भी मिल जाएगा और जिसको आप भेजोगे उसको भी मिल जाएगा। तो गाइज ये बहुत एक अच्छी और सिंपल सीधी प्रोसेस है जो कि कोई भी पर्सन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अब गाइज जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ से 10,000 15,000 5,000 कोई भी इनकम यहाँ से अचीव कर सकते हो, लेकिन वो अचीव होगी कैसे गाइज? उसके लिए आपको अधिकांश लोगों को रेफर करना पड़ेगा, ज्यादा रेफरल प्रोग्राम का आपको फायदा उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ढेर सारे लोग चाहिए। अब ढेर सारे लोग कहां से मिलेंगे ये अगेन एक टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि हम ज्यादा पैसा रेफर एंड अर्न करके किस तरह से इनकम कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके लिए मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो। मुझे पता भी तो चले कि लोगों को सच में जरूरत है या फिर लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस जैसा मैंने आपको बताया इस ऐप के बारे में, तो गाइस ये तीन बातें आप ध्यान रखना आपको काम आएगी इस ऐप को यूज करते समय। सबसे पहली बात जो है गाइस वो ये है कि ये ऐप टोटली फ्री है, कोई भी तरह का एडिशनल चार्ज वगैरह नहीं लगता है, आपका जो भी 100 रुपीज़ है वो तुरंत तुरंत आपके उसमें वॉलेट में क्रेडिट हो जाते हैं। एंड गाइज आप उसको विड्रॉल और कुछ वहाँ पे परचेज वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लाइक स्टॉक्स म्यूचुअल फंड ये सब। अब गाइज दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको इंस्टेंट विड्रॉल सिस्टम नहीं मिलता है, जो गाइज आपको बैलेंस दिखते हैं वॉलेट में उसको आप विड्रॉल 24 घंटे के बाद कर सकते हो, इंस्टेंट विड्रॉल नहीं होता है यहाँ पर, इंस्टेंट आप कुछ खरीद बेच सकते हो। एंड गाइज तीसरी बात जो है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट बना हुआ है ग्रो ऐप के ऊपर तो आपको 100 रुपए का मुनाफा नहीं होगा। हाँ आप रेफर एंड अर्न करके इनकम जरूर कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी यहां पे साइन अप बोनस जो बोलते हैं वो भी नहीं मिलने वाला है। तो गाइस अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।